चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का, जो कि पिछले वीडियोस में हम लोग सबका सिलेबस देखे थे कि कहां से अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 12th क्लास का अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और कहां से पढ़ेंगे तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि सेल अभिक्रिया लिखने की विधि को हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि सेल अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक्स है, वो है नर्नस्ट, नर्नस्ट का समीकरण, नर्नस्ट का समीकरण, नर्नस्ट का समीकरण। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नर्नस्ट का समीकरण होता क्या है, या फिर इसका यूज कहां है, या ये समीकरण क्या है, राइट ना। तो चलिए नर्नस्ट का समीकरण को जानने से पहले इसके बारे में कुछ हम लोग को समझना होगा कि नर्नस्ट क्या है। तो जैसे कि हमारा नाम, आपका नाम, सबका अपना अपना नाम है, वैसे ही एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है नर्नस्ट। क्या नाम है उसका? नर्नस्ट। वो वैज्ञानिक का नाम है, और इस वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में हम लोग पढ़े हैं ना कि सेल में अर्ध सेल की भी अभिक्रिया होती है, यानी कि जो भी हम लोग ये जो चैप्टर है ये है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन चैप्टर का है। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि वह वैद्युत अपघट्य विलयन जिससे हम लोग करंट का कंडक्शन हो सके उसमें सेल अभिक्रिया होता है, बिना सेल अभिक्रिया का करंट का कंडक्शन नहीं होता है। इट मीन्स कि 1889 में नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम भी आपको बता देते हैं, वो वाल्टर नर्नस्ट है, यानी कि नर्नस्ट का पूरा नाम है वाल्टर नर्नस्ट, जिन्होंने 1889 ईस्वी में सेल के अर्ध सेल अभिक्रिया के विभव को मेजर करने के लिए एक समीकरण को प्रस्तुत किया था जिसको हम लोग बोलते हैं नर्नस्ट का समीकरण। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नर्नस्ट एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम वाल्टर नर्नस्ट है। इन्होंने 1889 में अर्धसेल अभिक्रिया के विभव को मापने के लिए एक समीकरण को, एक इक्वेशन को प्रस्तुत किया, बताया, जिसको हम लोग नर्नस्ट का समीकरण कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट एरो में लिखा जाए, 1889 ईस्वी में वाल्टर नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव या अर्धसेल विभव ज्ञात करने के लिए एक संबंध स्थापित किया जिसे नर्नस्ट का समीकरण कहा जाता है। चलिए अब जो एक समीकरण प्रस्तुत किया वो समीकरण देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि वो समीकरण क्या है। तो एक समीकरण है E = E0 -2.303 RT/NF log K। प्यारे छात्रों, इसी को हम लोग बोलते हैं नर्नस्ट का समीकरण। दूसरी बात कि इसका हम लोग ज्यादा न्यूमेरिकली में यूज नहीं करेंगे, गिना चुना सवाल आता है जो जिसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। हालांकि इस समीकरण को सिर्फ जानना है, याद रखना है, और ये भी एक टॉपिक्स भी है, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चार ऑप्शन देकर पूछेगा कि निम्नलिखित चार में से कौन नर्नस्ट का समीकरण है, तो नर्नस्ट का समीकरण आपको याद रखना होगा कि E = E0 - 2.303 RT/NF log K। अब हम लोग समझते हैं कि log K क्या है, NF क्या है, RT, E0 क्या है, तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे जो आप जहां
ई इज इक्वल टू एकल विभव। ई का मतलब क्या है? एकल विभव। ई नोट का मतलब क्या होता है? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ऊपर नोट से सूचित करते हैं, तो ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई एकल इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर जो है वो गैस स्थिरांक है। आर क्या है? गैस स्थिरांक, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। याद रहे आर का वैल्यू आपको फिक्स याद रखना है, आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। आर का मतलब गैस स्थिरांक, जिसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए 8.31। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल है तो आर का वैल्यू डायरेक्ट ले, जैसे कि फिजिक्स में गुरुत्वीय त्वरण जी का वैल्यू 9.8 न्यूटन रखा जाता है, वैसे ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन नहीं क्योंकि त्वरण है, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आपको इसका वैल्यू याद रखना होगा। फिर टी के पास आते हैं, तो टी क्या है? तो टी का मतलब हुआ ताप, और इसका वैल्यू याद रखना है कि हमेशा केल्विन में रखा जाता है, क्योंकि ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन, इसलिए टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। उसके बाद एन है, तो एन का मतलब क्या है? एन का मतलब, तो एन बताता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई फॉर इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद एफ आता है, तो एफ का मतलब होता है फैराड। हम लोग फिजिक्स में भी सीखे हैं कि संधारित्र की धारिकता का ऐसे मात्रक फैराड होता है, उसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम्ब, यानी कि एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब होता है। और याद रहे के एक स्थिरांक है, ये क्या है? स्थिरांक है, जिसका वैल्यू हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बटा जितना उसका सांद्रण रहेगा। हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि के कैसे निकालते हैं, एफ क्या है, एन क्या है, ई क्या है, ये सब सारा चीज। तो सबसे पहले नर्नेस्ट का समीकरण का फर्स्ट एरो हम देकर लिखवाए हैं, उसके नीचे एक ये समीकरण बहुत याद रखना है बहुत अच्छे से, ई बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग के, राइट। अच्छा, इसमें क्या क्या सूचित करता है, ई क्या बताता है, ई नोट क्या बताता है, आर क्या बताता है, टी क्या बताता है, सबके बारे में डिस्कस किए। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर ये समीकरण कैसे आया, बस सत्य आप नर्नेस्ट साहब ने एक समीकरण को प्रस्तुत कर दिया है, ताकि इसका इस्तेमाल करके जो अर्ध सेल में होने वाले अभिक्रिया है, उसका विभव है, उसको मेजर किया जाए, उसमें संबंध ज्ञात करने के लिए ऐसा समीकरण दिया है उन्होंने। तो ये तो हुआ नर्नेस्ट का समीकरण। अगर कहीं भी हमसे सवाल पूछेगा कि नर्नेस्ट का समीकरण क्या है, तो ये बताएंगे, और कब हुआ, तो 1889 में हुआ, और किस लिए हुआ, तो अर्ध सेल के अभिक्रिया को विभव को मापने के लिए एक संबंध दिया गया, राइट। चलिए, इसके बाद यानी कि नर्नेस्ट का समीकरण हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, हाँ, जो एरो दिए थे उसको लिखना है, और अभी जो हम समीकरण उसको लिखना है उसके नीचे, और फिर क्या क्या सूचित करते हैं उसको लिख लेना है। फिर आते हैं सेकेंड एरो में, सेकेंड एरो में एक सवाल आता है कि आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण, वो एक जनरल समीकरण है। अगर कोई से भी हमसे पूछेगा कि नर्नेस्ट समीकरण क्या है, तो नर्नेस्ट समीकरण को ऊपर वाले ही बताएंगे, लेकिन अगर सवाल हमसे पूछेगा कि आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण क्या होता है, तो हमको अब थोड़ा सा यहां पर रुकना होगा कि आरटीपी पे बोल रहे हैं ना भाई, तो आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण कुछ हो बदल जाता है, मतलब कुछ दूसरा होता है, लेकिन दूसरा कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, बस उसी जगह से आता है, लेकिन कैसे आता है हम बताने वाले हैं। तो आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण क्या होता है, ये नर्नेस्ट का समीकरण का फर्स्ट एरो हम लोग पढ़े, उसके नीचे समीकरण क्या क्या बताता है वो सारा चीज। अब हम लोग सेकेंड एरो में आरटीपी पर क्या होता है, सबसे पहले
आरटीपी का फुल फॉर्म सीखते हैं कि आरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आरटीपी का पूरा नाम है। अब इसी पर रूम का मतलब होता है कमरा का तापमान और दाब, कमरे का ताप और दाब, इसका हिंदी हुआ आरटीपी पर। तो आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले जनरल समीकरण लिखना पड़ेगा, तो उसके नीचे लिखिएगा कि हम जानते हैं सेकेंड एरो में आरटीपी पर नर्नेस्ट का समीकरण, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग के। ये तो जनरल होता है ना, यहां पे आपको रुकना पड़ेगा, यहां आपको R का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। R बराबर रख दीजिए 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और T का मान याद रखिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। टेम्परेचर जो यूज करना है यहां पे आरटीपी पर कितना टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही इसको केल्विन में बदलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि नर्नेस्ट का जो समीकरण होता है वहां पर टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है, तो यहां पे केल्विन में चेंज करने के लिए आपको 273 को ऐड करना पड़ेगा, 273 प्लस में 25, तो टोटल इसको काउंट करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आरटीपी पर अगर हमें नर्नेस्ट का समीकरण पूछेगा और हम गलती से अगर भूल भी जाते हैं कि आरटीपी पर क्या होता है, तो आप इन चीजों को खुद से निकाल सकते हैं, बसरते थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यही दोनों फर्क होता है, एक याद रखने में और एक मेजरमेंट करने में। तो अगर आप समझ जाएंगे कि आरटीपी पर क्या होता है, हालांकि नर्नेस्ट का समीकरण तो आपको याद रहना चाहिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि वो कहां से आया है, तो नर्नेस्ट का समीकरण आपको याद रहना चाहिए। इससे अगर आरटीपी पर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आर के जगह पे 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, टी के जगह पे 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री होता है, और उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 25 ऐड कर दीजिए। अच्छा, एक तीसरा जो चीज है वो चीज है एफ का वैल्यू, हम लोग जानते हैं 96,500 कूलम एफ का वैल्यू होता है, तो आप इसको भी पुट कीजिए। अब जो है यहां पे पुनः ई बराबर चलिए, तो ई बराबर क्या, ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर, आर का वैल्यू 8.31 इंटू टी, टी के जगह पे 298 बटा करना है कितना एन एफ, तो एन का एन छोड़ देना है, एफ के जगह पे 96,500 और इंटू में इधर लॉग के, यहां पे लॉग के, क्योंकि ये लॉग के वाला है तो ये लॉग के यहां रहेगा ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहां आएगा ई नॉट माइनस, आप इसको 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 गुना करके और 96,500 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.059 होगा, और बट्टा में एन करना पड़ेगा, यानी कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। करना क्या है कि 2.303 8.31 298 को गुना कर लेना है और 96,500 से भाग कर देना है, जैसे यहां पे डिवाइड करेंगे तो वो निकल कर आएगा 0.059 अपॉन में एन, ये वाला एन इंटू लॉग के। तो प्यारे छात्रों, हमसे दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है नर्नेस्ट के समीकरण के अनुसार कि नर्नेस्ट का समीकरण क्या होता है और उसका क्या उपयोग है, यानी कि इसका मेन उपयोग क्या है, तो अर्ध सेल में होने वाली अभिक्रिया का विभव को मापना, उसके लिए एक समीकरण है, वो समीकरण ये है, ये मेन है नर्नेस्ट का समीकरण, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग के। लेकिन अब अगर हमसे पूछेगा कि RTP पर नर्नेस्ट का समीकरण क्या है, तो
तो आरटीपी का फुल फॉर्म देखे। अब आरटीपी में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि तीन चीज का मान आपको रखना पड़ता है, तब आप आरटीपी का जो फॉर्मूला है वो आप निकाल पाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं कि आरटीपी के लिए जो नर्मेस्ट का समीकरण होता है वो होता है ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन बटा एन इंटू लॉग के। चलिए तो अब यहां पे आर का वैल्यू कितना रखना है, क्योंकि ये गैस स्थिरांक है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि आर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस क्यों रखें, क्योंकि रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर का मतलब कमरे का तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अगर सवाल में भी ऐसे जनरल साइंस का क्वेश्चन भी आता है कि कमरे का तापमान कितना होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर दिए क्योंकि टेम्परेचर जो रखना है वो केल्विन में रखना है और वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग अभी नर्मेस्ट का समीकरण देख रहे थे। अच्छा, अब इसका उपयोग क्या है, तो दो टॉपिक्स, एक टॉपिक्स और दो एरो हम लोग किए। अब हम लोग हाँ इसके नीचे ये जो सेकेंड एरो था उसको भी नोट कर लेंगे यहां तक, क्योंकि आरटीपी पर पूछेगा तो ये वैल्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग से ये पूछा जा सकता है कि नर्नेस्ट समीकरण का मेन उपयोग क्या है। हालांकि अभी तो हम लोग सीखे ही कि उपयोग क्या है, तो अर्धशैल अभिक्रिया को विभव को मापने के लिए संबंध। चलिए अब टॉपिक लिखते हैं नर्नेस्ट समीकरण का उपयोग। नर्नेस्ट समीकरण का उपयोग फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ओ एरो, ओ टॉपिक समाप्त हो गया जिसमें दो एरो किए, एक जनरल जिसके जहां ई क्या है, ई नोट क्या है, उसके बाद आरटीपी पर किए, राइट। चलिए अब हम लोग नर्नेस्ट समीकरण का उपयोग का फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इसमें नर्नेस्ट समीकरण के उपयोग में, नर्नेस्ट समीकरण के उपयोग में इलेक्ट्रोड या अर्धसेल विभव को, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल विभव को अवकरण विभव के रूप में, अवकरण विभव के रूप में लिखा जाता है, अवकरण विभव के रूप में लिखा जाता है। चलिए अब ये अवकरण विभव के रूप में आखिर लिखा कैसे जाता है वो जरा हम लोग देखते हैं। चलिए उसके नीचे एग्जाम्पल में हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल है सेल अभिक्रिया का, लिखने वाला जो विधि बताए थे ये ZN है, ZnSO4 है, फिर डबल उदग्र रेखा है, CuSO4 है, फिर Cu है, राइट। अब यहां से आप देखते हैं कि इधर वाला होता है, यहां से यहां तक के होता है कैथोड, ये है कैथोड वाला पार्ट, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो होता है वो सेल अभिक्रिया लिखते समय बाएं साइड जो लिखा जाता है वो कैथोड को लिखते हैं, और राइट साइड जो लिखते हैं यहां पे ये एनोड को लिखते हैं, और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैथोड पर कैसा अभिक्रिया हो रहा होगा, तो कैथोड पर जो हो रहा होगा जेड एन से टूटकर ये जेड एन 2+ बन रहा होगा, और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे 2+ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। अच्छा, एनोड पर कैसा अभिक्रिया होगा, तो एनोड पर कुल मिलाकर पहले ये अगर टूटेगा यानी कि Cu और SO4 अगर टूटेगा तो यहां बनेगा Cu2+, से क्या बन रहा है, ओनली कॉपर का इलेक्ट्रोड Cu। अब हम लोग यहां दो प्लस है, इसका मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर ही दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो ये कैथोड पर का अभिक्रिया हुआ, ये एनोड पर का अभिक्रिया हुआ, तो टोटल मिलाकर यहां पे जो सेल का अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, तो कैथोड पर का विभव, इलेक्ट्रोड विभव और या फिर विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं, माइनस ई, लेकिन ई पर किसका, एनोड का। तो यहां पे हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण का बात
पता नहीं चला इससे। हालांकि कैथोड और एनोड हम लोग सीखे तो हम लोग को पता है ना कि अगर राइट साइड में अगर टू इलेक्ट्रॉन अगर जुटा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। लेकिन जब इसी अभिक्रिया को पलट देंगे, जैसे मान लिया कि इसको राइट साइड में टू इलेक्ट्रोड न लिखते हुए इसी को पलट के हम ऐसे लिख दिए Zn 2+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन और इससे Zn, तो अब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण का पहचान क्या है, किसी भी अभिक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जुड़ा रहेगा दैट इज ऑक्सीकरण, लेफ्ट साइड उसको कर दीजिए अवकरण। सेम थिंग्स यहां वाला एनोड पर जो अभिक्रिया है फिलहाल ये भी कौन सा है, ऑक्सीकरण की अवकरण, तो ये है आपका अवकरण। क्यों अवकरण, क्योंकि लेफ्ट साइड में टू इलेक्ट्रॉन है। अगर जब हम इसको ऑक्सीकरण बनाना चाहते हैं तो इसको पलटना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो अभिकारक है उसको प्रतिफल में डालिए। जानते हैं ना कि अभिक्रिया में जो बाएं तरफ का होता है उसको अभिकारक बोलते हैं और उसके दाएं तरफ को प्रतिफल कहा जाता है। तो जब इसको हम लोग पलट देंगे, मतलब Cu से Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, तब इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण। तो एक एग्जांपल इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई सेल अभिक्रिया रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण और अवकरण विभव कैसे प्राप्त करेंगे, कैथोड एनोड कैसे लिख पाएंगे और विद्युत वाहक बल टोटल निकालने के लिए कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे। तो ये एक उपयोग था नर्नेस्ट समीकरण का। चलिए अब कुछ एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। जो भी हम लोग नर्नेस्ट का समीकरण का उपयोग पढ़े थे समीकरण, उस बेसिस पे चलिए क्वेश्चन लिखेंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है Ag2 Ag++ इलेक्ट्रॉन, मैं लिखना आएगा, लिख देते हैं क्वेश्चन। Ag से बन रहा है Ag++ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन में लिखना है। Ag Ag++ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड का आगे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.1 एम एजी प्लस बिलियन के लिए, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.1 एम, एम माने मोललता, हम लोग पढ़े है ना स्थानांतरण पांच तरह का होता है, मोललता मोललता मोल प्रभाव प्रतिशत पीपीएम राइट। तो 0.1 एम एजी प्लस बिलियन के लिए ज्ञात करें, ब्रैकेट में लिखिएगा आरटीपी पर, ज्ञात करने के बाद ब्रैकेट में आरटीपी पर, बिलियन के लिए ज्ञात करें ब्रैकेट में आरटीपी पर, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.8 वोल्ट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.8 वोल्ट है। चलिए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कि आरटीपी पर तो हमको सवाल बोल रहे हैं, सवाल क्या बोल रहे हैं कि आरटीपी पर आपको निकालना है। तो आरटीपी पर, आरटीपी के लिए नर्नेस्ट का समीकरण क्या होता है, नर्नेस्ट का समीकरण क्या होता है, तो आरटीपी पर जो नर्नेस्ट के लिए समीकरण होता है वो ई बराबर ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग के, यही ना होता है। आखिर हम इसी को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि आरटीपी के लिए आपको ज्ञात करना है, तो आरटीपी के लिए फॉर्मूला। अब ई का वैल्यू हमको निकालना है तो ई नोट, ई नोट का वैल्यू दिया है, सवाल पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.8 वोल्ट है, तो ई नोट का वैल्यू 0.8 वोल्ट। उसके बाद क्या लिखता है, तो यहां ये तो हमको पता चल गया एन, एन का मतलब हम लोग क्या सीखे थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ना,
एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ इस समीकरण को देखिए, जो समीकरण दिया है इसमें एजी से एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एन का वैल्यू हो गया एक। उसके बाद जब हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं तो के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हालांकि हम लोग अभी पीछे सीखे थे कि के क्या है, तो एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो के का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर एन रखा जाता है, एन का मतलब वन, और नीचे सांद्रण, सांद्रण का मतलब कितना मोललता दिया, तो सवाल में लिखा 0.1 एम एजी प्लस बिलियन के लिए, तो इसका सांद्रण कितना हो गया 0.1, तो यहां 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा, और आप जानते हैं पॉइंट अगर हटता है तो ऊपर जाता है, इसका मतलब 10 हो जाएगा। तो ई नोट का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चल गया, के का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग आराम से अब ई का वैल्यू निकाल देंगे। तो अब ई बराबर ई नोट, तो ई नोट का वैल्यू 0.8 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन का मतलब 1, इंटू लॉग के, लॉग के का मतलब लॉग 10, और आपको पता होना चाहिए कि लॉग 10 का जो मान होता है वो 1 होता है पूरा पूरी, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से अब आगे काम करेंगे तो 0.8 माइनस 0.059 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही, इंटू लॉग 10 का भी 1, अब 0.8 माइनस 0.059 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, अब इसको घटा लीजिए तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा 0.741 वोल्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लिखवा चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप देख चुके हैं, अब इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन अभी बोलेंगे मतलब लिखवाएंगे, और उसका आंसर आपको सॉल्यूशन खुद से करना है अगले वीडियो में, हम उसका आंसर बताएंगे कि सही आंसर क्या है। अगर जिसका सही आंसर होगा वो कमेंट में कीजिएगा, या फिर जो ग्रुप है उसमें आप मेरा आंसर सही आंसर को सेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखवाते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 हम बोलने वाले हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। लिखा जाए क्वेश्चन, अगर हाँ दोस्त अगर आरटीपी नहीं बोला जाए तो आप नर्नेस्ट का समीकरण लगाइए जो जनरल है, अगर आपको आरटीपी बोलेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आरटीपी पर सीयू से सीयू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सीयू से सीयू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड विभव 0.2 एम सी यू टू प्लस, देखिए सांद्रण है, 0.2 एम सी यू टू प्लस बिलियन के लिए ज्ञात करें जबकि जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 2.5 वोल्ट है। तो प्यारे छात्रों, ये जो क्वेश्चन है ये आरटीपी पर ही दिए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बनाकर और जो ग्रुप है उसमें आप सेंड कीजिए, और जिसका आंसर सही होगा हम उसका यस करेंगे, जिसका आंसर गलत होगा उसका हम नो करेंगे, राइट। और नहीं तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और जिसका सही होगा हम रिप्लाई करेंगे यू आर राइट यू आर रॉन्ग जो भी होगा। तो यहीं तक करते हैं, फिर अगले वीडियोज में आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। थैंक यू।